हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा प्लान रहेगा वो है हमारा 15 फिट बाय 32 फिट का प्लान, यानी कि 15 फिट इसका फ्रंट रहेगा और 32 फिट इस प्लान की लंबाई रहेगी। ये जो हमारा प्लॉट है इसमें दो जगह से रोड जा रहा है। एक रोड यहाँ से, एक रोड हमने यहाँ से दिया है, दूसरा रोड यहाँ से। तो जो हमने एंट्री रखी है वो हमने इस वाले रोड से रखी है और यहाँ पर हमने दो शॉप प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, इस पूरे प्लॉट का अगर हम स्क्वायर फिट में बात करें तो ये हमारे 480 स्क्वायर फिट का प्लॉट है। गज में बात करेंगे तो ये हमारे 53 गज का प्लॉट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊँगा इसका एक मंजिल बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितने कॉलम्स इसमें दिए जाएंगे, कॉलम साइज़ क्या रहेगा, आउटर वॉल इनर वॉल कितनी दी जाएगी, ये सब मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊँगा। अगर आप भी अपने घर का नक्शा हमसे बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर हमने स्क्रीन पर दे रखा है, तो वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे प्लॉट के अंदर हमने एक बेडरूम प्रोवाइड किया है, किचन दिया है, लिविंग एरिया यहां पर हमने दी है, यहीं से स्टेयर्स प्रोवाइड किए, कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है और यहाँ पर हमने दो दुकानें प्रोवाइड की हैं। बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो यहाँ पर हमने दो दुकानें प्रोवाइड की हैं, आप देख सकते हो, ये हमारी शॉप 1 है, ये हमारी शॉप 2 है। तो 8 फिट बाय 7 फिट की यहाँ पर हमने एक दुकान यहाँ पर प्रोवाइड की है और 8 फिट बाय 7 फिट की हमने यहाँ पर दूसरी दुकान प्रोवाइड की है। ठीक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 7 फिट रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 8 फिट की रहेगी। तो 8 फिट बाय 7 फिट की दुकान यहाँ पर भी दी है और सेम दुकान हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। यहाँ से हमारी एंट्री होती है तो 4 फिट चौड़ी हमने यहाँ पर एंट्री प्रोवाइड की है। गैलरी जो है हमारी 4 फिट बाय 5 फिट 8 इंच की रखी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 4 फिट रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 5 फिट 8 इंच रहेगा। जैसे आप एंट्री करोगे यहाँ पर आपको मिलेगा कॉमन टॉयलेट बाथरूम 6 फिट 4 इंच बाय 5 फिट का। तो यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया है। इसका वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दे रखा है, 2 फिट चौड़ा वेंटिलेशन है, तो इसकी जो भी स्मेल होगी वो इसके थ्रू पास आउट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ से आते हो ये आपका पूरा लिविंग एरिया हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिविंग एरिया प्रोवाइड किया है 10 फिट 8 इंच बाय 9 फिट का, यानी कि 10 फिट 8 इंच बाय 9 फिट का हमने यहाँ पर लिविंग एरिया प्रोवाइड किया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रहेगा हमारा 9 फिट रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 10 फिट 8 इंच रहेगा। ठीक, 3 फिट चौड़ी यहीं पर हमने स्टेयर्स प्रोवाइड की थी करी हैं, तो यहाँ से आप अपने फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे। स्टेयर्स का नीचे का पोर्शन और यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, तो यहाँ पर आपका सोफ़ा सेट आराम से आ जाएगा। फिर आप हम चलते हैं आगे की तरफ, बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, आप यहाँ देख सकते हो 12 फिट बाय 9 फिट का आपको यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ हमारा 9 फिट रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 12 फिट रहेगा। यहाँ पर हमारा बेड आ जाएगा, यहाँ पर हमारा वार्डरोब हो जाएगा, यहाँ पर हमारा टीवी आ जाएगा। इस बेडरूम की विंडो हमने यहाँ पर रखी है, 4 फिट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पर रखी है ताकि हमारे बेडरूम में रोशनी बिल्कुल सही रहे। फिर इसी बेडरूम में से हमने डोर प्रोवाइड किया अपने OTS में आने के लिए। तो हमारा OTS का पोर्शन है 3 फिट बाय 5 फिट का, यहाँ पर हमने OTS प्रोवाइड किया है। आप यहाँ पर देखो ये हमारा किचन है, 8 फिट 8 इंच बाय 5 फिट का एक किचन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 8 फिट वो 5 फिट रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 8 फिट 8 इंच रहेगा। तो ये हमारा किचन हो जाएगा। इस किचन की विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है, 3 फिट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पर रखी है, तो किचन की जो भी स्मेल होगी वो इसके थ्रू पास आउट हो जाएगी। तो ये था हमारा 15 फिट बाय 32 फिट का प्लान। अब बात कर लेते हैं इसकी आउटर वॉल और इनर वॉल की। हमने दोनों जगह सेम रखी है, 4 इंच चौड़ी हमने यहाँ पर आउटर वॉल इनर वॉल प्रोवाइड की है। इसमें टोटल कॉलम्स जो हमने दिए हैं वो 10 कॉलम्स प्रोवाइड किए हैं। कॉलम साइज़ जो हमने रखा है वो 9 इंच बाय 12 इंच का रखा है, मतलब कहीं कहीं 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम आएगा और कहीं 9 इंच बाय 9 इंच का आएगा। इसका एक मंजिल बनाने में जो लगभग खर्चा आएगा वो 6 लाख के आसपास आएगा। तो ये था हमारा आज का प्लान, आशा करता हूँ प्लान पसंद आया होगा। अगर प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।